मंदसौर में चोरी का माल छुपाने की जुगत, ट्रक से अनाज चुराकर शासकीय स्कूल के किचन में छिपाया, लगाया ताला। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी सेवन न्यूज चैनल में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देखिए मंदसौर जिले की खास खबर। मंदसौर के शामगढ़ थाना क्षेत्र से चोरी हुआ अनाज से भरा ट्रक पुलिस ने बरामद कर लिया। आरोपियों ने ट्रक चोरी करने के बाद उसमें भरा अनाज सीतामऊ थाना क्षेत्र के खेजड़िया गांव में शासकीय स्कूल के किचन रूम में छुपाकर ताला लगा दिया था। मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर लॉन्च की है। पुलिस ने अनाज से भरे ट्रक चुराने के मामले में और शासकीय स्कूल में ताला तोड़कर चोरी का माल रखने के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। एसआई कपिल सौराष्ट्री ने बताया कि शामगढ़ थाना क्षेत्र के कुरावन गांव निवासी विनोद कुमार पिता सत्यनारायण मुजावदिया की ट्रक को 25 मई की रात अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए थे। ट्रक में मेथी, अलसी, मक्का, रायडा और अलसिया जैसी अनाज की 68 बोरी भरी थी, जिसकी कीमत 10 लाख से अधिक है। फरियादी को यह उपज मंडी में बेचना थी। इससे पहले ही रात में उपज से भरा पूरा ट्रक ही चोरी हो गया। मामले में पुलिस ने टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर ट्रक चुराने वाले सीतामऊ थाना क्षेत्र के खेजड़िया गांव निवासी राहुल कीर उम्र 24 वर्ष, शहनवाज खान उम्र 24 वर्ष और जसवंत सिंह उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। चोरी के अनाज को सरकारी स्कूल में छुपाया। आरोपियों ने अनाज से भरा ट्रक कुरावन से चोरी किया था। इसे लेकर सीतामऊ के खेजड़िया गाँव पहुँचे। यहां उन्होंने गांव में बने शासकीय प्राथमिक विद्यालय के किचन रूम का ताला तोड़कर यहां चोरी का अनाज भर दिया और किचन रूम पर अपना खुद का ताला लगा दिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने स्कूल के किचन रूम में रखा चोरी का माल बरामद कर लिया है। मामले में स्कूल प्रबंधन ने भी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।